बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग का डे 3 है। आज हम लोग देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पब्लिक सेक्टर के। तो हम लोग ने जैसा कि 2 क्लासेस में कर लिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस। रिफॉर्म्स से इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी रिडाई आया था। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आज हम लोग देखेंगे। दो दिन का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज़रूर उसे देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पब्लिक सेक्टर। जैसा कि लाइफ इंश्योरेंस भारत में पब्लिक सेक्टर में सिर्फ एक कंपनी करती है, LIC। तो LIC के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर LIC कहाँ से आया, कब आया। तो सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट कब आया, तो पार्लियामेंट में ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 19 जून को 1956 को पास हुआ था। और ये लाइफ इंश्योरेंस यानी कि LIC क्रिएटेड हुआ 1 सितंबर 1956 को। और याद रखिए ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन था 5 करोड़, किसका, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो आखिर ऑब्जेक्टिव क्या था LIC का, तो LIC का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि लाइफ इंश्योरेंस को पूरे देश में पहुंचाना, वो भी एक रीजनेबल कॉस्ट के। सबसे पहले LIC का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है, और अभी जो चेयरमैन है MR कुमार है। LIC का 5 जोनल ऑफिस है और 33 डिविजनल ऑफिस है। टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्लान, आखिर कितने टाइप के इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस प्लान होते हैं। तो सबसे पहला है एंडोमेंट प्लान, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, मनी बैक पॉलिसी, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट इंश्योरेंस प्लान, सिंगल प्रीमियम प्लान, टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान, यूलिप और पेंशन प्लान। तो बारी बारी से हम लोग सबको देखेंगे आखिर ये सब है क्या। तो सबसे पहले इंडोमेंट प्लान देखते हैं कि आखिर ये इंडोमेंट प्लान क्या है। तो ये कम्बिनेशन होता है इंश्योरेंस का और इन्वेस्टमेंट का, यानी कि जो भी व्यक्ति लाइफ कवर भी चाहता है और इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है तो वो ये प्लान लेता है। तो इसमें आपको क्या मिलता है, जो इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस में जितना अमाउंट आप प्रीमियम के थ्रू देते हैं वो तो मिलता ही है, साथ में बोनस मिलता है, इसी को बोला जाता है इंडोमेंट प्लान। ठीक है, अब देखिए इसका ड्यूरेशन क्या होता है। मैक्सिमम 12 से 35 ईयर होता है इसका ड्यूरेशन, और 8 से 55 ईयर के एज वाले लोग इस प्लान को ले सकते हैं। होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, नाम से ही पता है कि पूरे लाइफ ये इंश्योरेंस कवर देता है। आखिर होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है क्या, तो देखिए आजीवन इंश्योरेंस प्लान यानी कि होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान में आपको जीवन और प्रोटेक्शन तो मिलता है, यानी पॉलिसी का कोई टर्म नहीं होता है। यानी कि बाकी सारे प्लान्स में एक नियत टाइम होता है कि इतना दिन में ये ख़त्म होगा, लेकिन इसमें ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी को बीमा का क्लेम मिलता है। जो भी नॉमिनी होता है, नॉमिनी उसे कहते हैं कि अगर आप इंश्योरेंस कवर लेते हैं, आपको अगर कुछ होता है तो एक नॉमिनी होता है, यानी आपका जिसको आप देना चाहते हैं नॉमिनी में नाम, उसको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये याद रखिएगा कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उम्र की एक मैक्सिमम लिमिट होती है, आमतौर पर 65 से 70 साल होती है, लेकिन मौत के बाद नॉमिनी डेथ क्लेम नहीं ले सकता। लेकिन आजीवन इंश्योरेंस प्लान के तहत मौत अगर 95 साल में भी होगा फिर भी नॉमिनी क्लेम कर सकता है। यही डिफरेंस है आजीवन यानी कि होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान और जनरल इंश्योरेंस प्लान में। मनी बैक पॉलिसी, देखिए मनी बैक पॉलिसी बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज करते हैं, आखिर ये है क्या। ये तो लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज देता ही है, साथ में ये आपको मैच्योरिटी बेनिफिट्स भी देता है, यानी आप इंस्टॉलमेंट में जो भी प्रीमियम पेड करते हैं उसके बाद आपको एक मैच्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलता है। इसको अगर हम लोग आसान भाषा में समझेंगे तो ये पॉलिसी एक तरह का एंडोमेंट पॉलिसी ही है। इस पॉलिसी में निवेश और बीमा का मेल होता है, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट और कवरेज दोनों ले सकते हैं। अंतर बस इतना ही है कि इस लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी में बोनस के साथ इंश्योर सम अमाउंट भी मिलता है जो किस्त में वापस किया जाता है। और आखिरी किस्त कब होता है, तो आखिरी किस्त जब पॉलिसी ख़त्म होता है, यानी 15 साल का पॉलिसी है तो 15 साल बाद आपको आखिरी किस्त मिल जाती है। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान कोई भी पॉलिसी की मृत्यु हो जाती है तो पूरा सम अमाउंट बेनिफिशियरी को मिल जाता है। हालांकि ये पॉलिसी का प्रीमियम सबसे ज़्यादा होता है। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किस पॉलिसी में प्रीमियम सबसे ज़्यादा होता है, तो वो कौन सा प्लान है, वो है मनी बैक इंश्योरेंस पॉलिसी। व्हाट आर द लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट इंश्योरेंस प्लान, ये एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान होता है। इसमें आप पे करते हैं प्रीमियम शॉर्टर के लिए, मतलब छोटे से समय के लिए, कुछ मान लें 1 साल 2 साल के लिए समय के लिए, और इसका बेनिफिट जो होता है आप इंश्योरेंस कवर लॉन्ग टाइम के लिए उठा सकते हैं, यानी कि छोटा अमाउंट और फायदा लॉन्ग टाइम। व्हाट इज़ द सिंगल प्रीमियम प्लान, आइए देखते हैं इस प्लान में क्या होता है। ये इंश्योरेंस पॉलिसी प्लान है, ये आपको फर्स्ट ईयर तो पे करना होता है, लेकिन आप लाइफ कवर लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हैं।
और ये प्लान में आपको जो बेनिफिट्स मिलता है वो टर्म ऑफ पॉलिसी होता है। व्हाट इज द टर्म लाइफ इंश्योरेंस? देखिए, जिस तरह से बैंक में आप लोग एफडी करते हैं, एफडी क्या होता है, एक नियत समय के लिए आप उसमें पैसा लगाते हैं, उसके बाद जब वो टर्म खत्म होता है तो आपको पैसा वापस मिल जाता है, तो यही टर्म लाइफ इंश्योरेंस है। आखिर ये है क्या? देखिए, इस प्लान निश्चित समय के लिए खरीदी जा सकती है, जैसे कि 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए। अगर इस प्लान में आपके द्वारा चुने गए एक टेनर यानी कि अवधि के लिए कवरेज मिलता है, ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता, यानी मैच्योरिटी नहीं मिलता, ये सेविंग कंपोनेंट के बिना लाइफ कवर उपलब्ध कराती है, लिहाजा ये अन्य पॉलिसी की तुलना में सबसे सस्ती होती है। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी पॉलिसी सबसे सस्ती हो, तो क्या होगा? टर्म इंश्योरेंस प्लान। टर्म इंश्योरेंस प्लान में पॉलिसी के दौरान पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर पॉलिसी के तहत इंश्योर सम यानी कि जो भी अमाउंट होता है एक तय रकम बेनिफिशियरी को दी जाती है। व्हाट इज ए यूलिप? देखिए, यूलिप बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे लोग यूलिप प्लान लेते हैं। तो यूलिप प्लान आखिर है क्या? इस प्लान में भी प्रोटेक्शन निवेश दोनों होते हैं, इसमें बस अंतर इतना ही होता है कि ये मनी बैक पॉलिसी में मिलने वाला रिटर्न एक हद तक पक्का होता है कि आपको इतना पैसा तो मिलेगा ही। यदि यूलिप में रिटर्न का कोई गारंटी नहीं होता, इसकी की वजह से यूलिप में निवेश वाले हिस्से को बॉन्ड या शेयर में लगाया जाता है, यानी कि अगर जिस तरह से बैंकों में हम लोग अगर पैसा लगाते हैं किसमें, म्यूचुअल फंड में, उसी तरह इंश्योरेंस सेक्टर में यूलिप में हम लोग पैसा लगाते हैं। याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे में रिटर्न मार्केट में उतार चढ़ाव पर बेस्ड होता है, यानी कि अगर मार्केट ऊपर होगा तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, मार्केट नीचे होगा तो आपको पैसा कम मिलेगा। ये आप तय कर सकते हैं कि आपका कितना पैसा शेयर में लगे और कितना पैसा बॉन्ड में लगे, ये आप पे डिपेंड करेगा। व्हाट इज ए पेंशन प्लान? नाम से ही आपको पता है कि ये एक रिटायरमेंट प्लान है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यह प्लान में लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्लान में लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं होता है। यह एक रिटायरमेंट सॉल्यूशन प्लान है, इसके तहत आप अपने रिस्क का आकलन करके रिटायरमेंट फंड बना सकते हैं। तय की गई एक अवधि के बाद आपको या आपके बाद बेनिफिशियरी को पेंशन के तौर पर एक निश्चित रकम का भुगतान किया जाता है। यह भुगतान मासिक, छमाही या सालाना आधार पर हो सकता है। अब हम लोग LIC के कुछ इंपॉर्टेंट प्लान्स के बारे में देखते हैं कि LIC का जो इंपॉर्टेंट प्लान है वो क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इंडोर्समेंट प्लान में हम लोग देखेंगे LIC जीवन प्रगति। ये आपको ऑटोमेटिक इंक्रीज इन रिस्क कवर आफ्टर एवरी 5 ईयर, 5 ईयर में आपको ये बढ़ते जाता है, यानी रिस्क कवर करते जाता है, 5 का लेंगे फिर 5 का लेंगे। LIC जीवन लम, देखिए ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट, किसके लिए? फैमिली के लिए। अगर कोई फैमिली में जिसके नाम से आप पॉलिसी ले रहे हैं उसका डेथ हो जाता है, तो पॉलिसी होल्डर एनी टाइम बिफोर द मैच्योरिटी एक लमसम अमाउंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपको पॉलिसी होल्डर जो सर्वाइविंग होता है उसको मिल जाता है। अब LIC का न्यू जीवन आनंद प्लान, ये बहुत फेमस प्लान है, इसमें आपको क्या मिलता है, ये प्रोवाइडेड करता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेथ थ्रू द लाइफ टाइम, ठीक है, पॉलिसी होल्डर विद द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ लमसम एट द एंड ऑफ द सिलेक्टेड पॉलिसी। जो भी पॉलिसी आप सिलेक्ट करते हैं वो एंड में आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाता है। LIC जीवन रक्षक प्लान, ये भी आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिली के लिए दिया जाता है कि अगर जिसके नाम से प्लान ले रहे हैं उसका मृत्यु हो जाता है तो आपको टाइम ऑफ मैच्योरिटी और सर्वाइविंग पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है पैसा। LIC का जीवन लक्ष्य, ये एक नन प्लान प्रोवाइड फॉर एनुअल इनकम बेनिफिट, ये हेल्प करता है, फुलफिल करता है चिल्ड्रन के भविष्य के लिए, यानी इसको आप बोल सकते हैं कि ये आपके चिल्ड्रन के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है कि आपको कुछ होता है तो आपको आपके बच्चे को ये पॉलिसी बहुत हद तक सर्वाइव करने में मदद करता है, LIC जीवन लक्ष्य। और याद रखिएगा, जितना भी अभी तक मैंने पॉलिसी बताया था इसमें आप लोन फैसिलिटी भी ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी इंडोर्समेंट प्लान है उसमें आप लोन फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं, यानी कि जितना पैसा आप लगाए हैं उसके एवज में आप लोन ले सकते हैं किसी काम के लिए। LIC आधार शिला प्लान और LIC आधार स्तंभ प्लान, ये दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि ये फीमेल के लिए बनाया गया और ये मेल के लिए बनाया गया, बस सेम और कुछ नहीं है इसमें अंतर है। अब हम लोग आते हैं होल लाइफ प्लान। देखिए, होल लाइफ प्लान में नाम से ही पता है कि पूरे लाइफ तक आपको ये कवर देता है। तो LIC का जीवन उमंग प्लान है, ये होल लाइफ प्लान है, ये कम्बिनेशन है इनकम और प्रोटेक्शन योर फैमिली। ये प्लान प्रोवाइड करता है एनुअल सर्वाइवर बेनिफिट किसके साथ, एंड ऑफ द प्रीमियम पेइंग, मान लेते हैं आप जितना भी प्रीमियम पे करते हैं वो एंड जब करता है तो आपको मैच्योरिटी के लमसम पेमेंट मिलता है, ठीक है, टाइम ऑफ मैच्योरिटी पे, या उसके कोई भी पॉलिसी होल्डर के डेथ हो जाता है उसके बाद एक लमसम अमाउंट आपको मैच्योरिटी मिलता है। मनी बैक प्लान, देखिए मनी बैक प्लान क्या होता है कि आप पॉलिसी के साथ
ये कौन सा ऐप LIC का, तो LIC का जीवन तरुण है। इस प्लान को डिजाइन किया गया है एजुकेशनल एंड अदर नीड्स ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रंस के लिए थ्रू एनुअल सर्वाइविंग बेनिफिट पेमेंट फॉर एज 20 से 24 ईयर एंड मैच्योरिटी बेनिफिट कब से मिलता है 25 ईयर, ठीक है। तो ये एक फिक्सेबल प्लान है जिसका मेन प्रपोजल होता है कि आपके बच्चे को सपोर्ट करने के लिए अगर आपको कुछ हो जाता है। अब देखिए LIC का 2021 में कुछ लेटेस्ट प्लान है, एग्जाम में पूछ सकता है इनमें से कौन सा अभी 2021 में लेटेस्ट प्लान है। तो LIC का निवेश प्लस है, LIC का स्लिप प्लान है और LIC का जीवन अक्षय साथ, ठीक है, पेंशन प्लान, LIC का जीवन शांति पेंशन प्लान, ठीक है। ये दोनों पेंशन प्लान, स्लिप प्लान यानी यूलिप प्लान, एक निवेश प्लान यानी कि हम लोग जिसमें निवेश करते हैं। तो आइए देखिए LIC का निवेश प्लस में ये सिंगल प्रीमियम यूलिप प्लान है। तो LIC लॉन्च किया है इसको 2020 में, ठीक है। ये निवेश में मतलब आप पैसा भी लगाते हैं और लाइफ कवर मिल जाता है, बस इतना ही है और इसमें कुछ जानने का जरूरत नहीं है। ये आपको ऑफर करता है ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए आप इसमें यूज कर सकते हैं। LIC का यूलिप प्लान जिसको सिप बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी लॉन्च हुआ था मार्च में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है निवेश में, ठीक है। बस इतना में यही डिफरेंस है कि ये सिंगल प्रीमियम प्लान है, निवेश है जो सिंगल प्रीमियम प्लान है। LIC का जीवन अच्छा प्लान ये 2020 में अगस्त में आया था, ये पहले भी था लेकिन बाद में इसे को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। LIC जीवन अच्छे सेवन प्लान, ठीक है, ये एक पेंशन प्लान है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था पेंशन प्लान क्या होता है, आप पैसा लगा देते हैं यानी कि आप एक लमसम अमाउंट जो भी लगाना चाहते हैं लगा देते हैं, फिर आपको एक टाइम के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। तो इसमें भी वही चीज़ है, ये एक आप अगर लमसम अमाउंट पे करते हैं एक बार में, फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करता है पेंशन फॉर लाइफ टाइम के लिए जब तक आप जिंदा हैं, ठीक है। ये पेंशन पेमेंट स्टार्ट होता है इमीडिएटली ऑन परचेज ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे ही आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं तो ये पेमेंट स्टार्ट हो जाता है। द इंश्योर विल पे यू ए पेंशन फॉर लाइफ। LIC का न्यू जीवन शांति पेंशन प्लान ये भी लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2020 को, बाद में इसको जो जीवन शांति ओल्ड वाला था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। बस अंतर यही था कि जो पहले का जीवन शांति था उसमें दोनों होता था इमीडिएट एंड डिफर्ड, बाद में इसको डिसकंटिन्यू करके अब जो नया वाला जीवन शांति है इसमें सिर्फ डिफरमेंट होता है। डिफरमेंट जब हम टर्मोलॉजी बताएंगे उसमें क्लियर करेंगे आखिर डिफरमेंट क्या है और इमीडिएट क्या है, ठीक है। तो आज हम लोग ने देखा था LIC के पूरे हिस्ट्री के बारे में, LIC कहाँ से आया और LIC का अभी तक का प्लान के बारे में। कल हम लोग फिर जनरल इंश्योरेंस में आएंगे। अभी तक आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल जहाँ MCQ होता है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बैंकिंग ब्लॉग 1 के नाम से है। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए जिससे कि कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं उसका सॉल्यूशन कर सकता हूँ। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।